ऐसे एड में स्ट्रॉबेरी को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसके ऊपर लिपस्टिक लगाया जाता है। और केलॉग चोकर्स के एड में आप जो दूध देखते हो ये एक्चुअली में हेयर कंडीशनर होता है। और क्या ऋतिक रोशन रजनीगंधा के एड में सच में रजनीगंधा खाते हैं? आगे वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 6 टीवी पर जो सर्फ एक्सेल और टाइड जैसी कंपनीज के एड आते हैं उसमें काफी चालाकी होती है। जैसे कि पहले कपड़े को ये गंदा करते हैं और गंदा करने के लिए ऐसी चीजें यूज की जाती है जो यूजुअली काम करते हुए कपड़े को गंदा कर देती है, जैसे कि खाना और मिट्टी। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे उनके पाउडर ने चुटकियों में वो गंदा साफ कर दिया। और ये लोग कपड़े को गंदा करने के बाद उसे साफ नहीं करते बल्कि नया कपड़ा ही दिखा देते हैं। और उसी के साथ अगर किसी आम पाउडर को नीचा दिखाना होता है तो उसके कपड़े को गंदा ही रहने देते हैं। नंबर 5 टीवी में दिखाने वाले केक से तो आपको दूर ही रहना चाहिए। इन्हें तुरंत खाने का मन तो करता है लेकिन इससे आपकी जान तक जा सकती है, क्योंकि वो रियल केक नहीं होता और वो अंदर से प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर क्ले से डिजाइन किया गया होता है। और टीवी पर कई बार दिखाया जाता है कि केक को कट करने से अंदर से चॉकलेट निकलती है, तो ये चॉकलेट भी रियल नहीं होती, असली चॉकलेट कुछ देर में कड़क हो जाती है और एड्स में काफी देर तक चलती है, इसलिए उसकी जगह पर ब्राउन कलर का स्लाइम डाला जाता है। और केक के ऊपर जो क्रीम होती है वो बियर्ड शेविंग क्रीम होती है। नंबर 4 फूड एड्स में जितनी चीज और सॉस दिखाई जाती है वो असल में इतनी होती ही नहीं, बल्कि एड्स में ऐसे पाइप्स और सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फिर चीज और सॉस को डालते हैं और फिर उसे खाने के अंदर कुछ इस तरीके से बाहर निकाला जाता है और शूटिंग के दौरान सिरिंज को प्रेस करते हैं और ऐसे हमें उल्लू बनाया जाता है। नंबर 3 मैकडॉनल्ड का जो बर्गर एडवर्टाइजमेंट पर जैसा दिखता है वैसा रियल में नहीं दिखता, तो ऐसा क्यों? अगर आपको लगता है कि ये लोग नकली बर्गर यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है, ये लोग बर्गर के सारे इंग्रेडिएंट्स को सही से बनाते हैं लेकिन इन एड्स के लिए स्पेशली फूड स्टाइलिस्ट को बुलाते हैं जिनका सिंपल सा काम है बर्गर को और ऐसे टाइप्स के फूड्स को बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिखाना। और ये करने के लिए ये फूड को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से तैयार करते हैं और उसके बाद कई अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके उसे और भी ज्यादा परफेक्ट शेप देते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, उसके बाद एडिटिंग के जरिए फूड में कलर डाला जाता है और चीजों को फोटोशॉप किया जाता है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नंबर 2 टीवी पर आप जो कार्स के एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसमें असली कार होती ही नहीं, वो सारी कार CGI के जरिए बनाई जाती है और शूट करने के लिए इस तरीके की बग्गी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 360 डिग्री कैमरा लगा होता है ताकि वो हर एक जगह को अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। और उसके बाद इस बग्गी को लिटरली किसी भी चीज में या फिर कहूँ किसी भी कार में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, फॉर्च्यूनर से लेकर रेंज रोवर तक, और यहाँ तक कि इसे लैम्बोर्गिनी भी बनाई जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कार के लॉन्च होने से पहले बनाई जाती है, इसलिए फिर अगर एडवर्टाइजमेंट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो फिर से शूट नहीं करना पड़ता है। नंबर 1 रजनीकांता के एड में आपने कई बार ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर को भी काम करते हुए देखा होगा और एडवर्टाइजमेंट में इन्हें रजनीकांता खाते हुए भी देखा होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से नकली है। ये लोग रजनीकांता जैसी चीज खाना तो दूर की बात है, ये तो उसे छूते भी नहीं और बस एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ऐसी चीजें खिलाकर उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट में ये यूजुअली कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते और बस मुंह को हिलाने की एक्टिंग करते हैं जिसमें साउंड मुंह में डाला जाता है ताकि ऐसा लगे कि ये खा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसकी जगह पर ये लोग मिंट या फिर टिकटैक जैसी गोली का इस्तेमाल करते हैं और रियलिज्म दिखाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।